नमस्कार साथियों, जय श्याम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बिजनेस में एक न्यू अपडेट लेके आया है जो आप सभी एसोसिएट बायर, सभी लीडर्स, सभी न्यू जॉइनर्स और आरसीएम से रिलेटेड सभी पर्सन को जानना जरूरी है। वो ये है कि हम जब भी किसी भी व्यक्ति का, न्यू पर्सन का आईडी लगाते हैं, तो आईडी उनका लगाते टाइम हम लोग उनसे कुछ डिटेल्स लेते थे, जैसे आधार कार्ड का डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, फोटो और उनका पैन कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, उनका मोबाइल नंबर, साथ में उनके नॉमिनी का नाम और डेट ऑफ बर्थ, यही होता था और हम उनका लेकर के उनकी आईडी लगा देते थे। लेकिन अब से 1 जुलाई से आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो जितनी भी केवाईसी है सब पेंडिंग में हो जाएगी और वो हो सकता है वो केवाईसी कभी ओके हो ही ना। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। वो जो भी अपडेट आई है वो ये है कि आपको जिन व्यक्ति की आईडी लगानी है उनका डिटेल्स तो आप लेंगे ही लेंगे, आपको साथ में नॉमिनी का भी डिटेल्स लगेगा। जितना डिटेल्स न्यू व्यक्ति का है और उनको जितने जिनका नॉमिनी में नाम डालना है, जैसे कि मदर का, फादर का, ब्रदर, सिस्टर, आप जिनका भी नॉमिनी में डालना चाहें, आपको उनकी भी डिटेल्स देनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी आईडी वो बनेगी ही नहीं, कभी केवाईसी ओके ही नहीं होगी, पेंडिंग हो जाएगी। आईडी लग भी जाती है तो वो पेंडिंग में ही रहेगा। अभी ऐसा करने का रीजन क्या है? वो रीजन ये है कि पहले लोग जब आईडी लगाते थे तो नॉमिनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ ऐसे ही डाल देते थे कुछ भी, तो इस तरह से कंपनी को एक अलग से कैंडिडेट रखना पड़ता था कि आप चेक करो कि इन्होंने जो भी जिन्होंने भी आईडी लगाया वो नॉमिनी में ठीक नाम डाला है या नहीं, कैसा क्या है, तो इन सबको करेक्शन करने के लिए वो देखते थे। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, आपको जिसने कंपनी ने अपडेट किया वो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। और एक चैलेंजेस क्या आता था कंपनी को कि आपने किसी ने भी ज्वाइनिंग किया आरसीएम बिजनेस में, इस टीम में, किसी भी टीम में, तो उनको जो टीम अच्छी ना लगे तो वो लोग छोड़ के दूसरी टीम में चले जाते थे। तो इस तरह से नुकसान तो हम लोगों को होता ही था, साथ में आरसीएम कंपनी को भी नुकसान होता था कि ये व्यक्ति इधर से उधर आईडी लग गया है, तो उनको वो सारे रिकॉर्ड रखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल, तकलीफ का सामना करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है रिकॉर्ड बनाने में, तो जिन व्यक्तियों का अगर ये पता, ये ऐसा नॉमिनी का नाम डाला जाएगा तो इससे पता लगाया जा सकता है कि जिन व्यक्ति का आईडी लगा है तो वो अगर वो दूसरी टीम में छोड़ के गए हैं तो उस व्यक्ति को पकड़ा जाए और उस आईडी को टर्मिनेट किया जाए। तो इस तरह से आपको ये अपडेट आपको जानना जरूरी है। और इस वीडियो में आई होप कि आप सभी को न्यू जानकारी बहुत अच्छे से मिली होगी, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम में शेयर करें ताकि लोगों को अच्छे से जानकारी मिल सके और वो जो गलती कर रहे हैं उन गलतियों से बचे रहें। और आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये जो वीडियो है खास तौर से आपके लिए है और आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए है, आप जो आपकी टीम में गलतियाँ हो रही हैं उसको सुधारने के लिए है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय आरसीएम।